बिहार से नीरज सिंह ने पूछा है। पूछते हैं, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आने वाली दुविधा का निवारण का सूत्र बताएं, अर्थात कि जो भी निर्णय हम लेते हैं कैसे हम स्मूथ डिसीजन ले सके। तुम सब जानते हो कि आइदर और में हम अधिकतर फंस जाते हैं। तुमने किर्कगार्ड की कहानी तो पढ़ी होगी कि एक दार्शनिक था, जर्मनी का बहुत उच्च कोटि का दार्शनिक था, लेकिन जब युवा था तो एक लड़की से उसे प्रेम हुआ। उस लड़की ने एक दिन कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारा क्या विचार है? उसने कहा कि रुको रुको जरा, ये मामला टेढ़ा है, मुझे सोचने दो। सोचता रहा, लड़की बीच बीच में आती रही, पूछती रही, और सोचते सोचते किर्कगार्ड 80 साल का हो गया। और तब उसने निर्णय किया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब उसने खोजना शुरू किया कि वो लड़की है कहाँ। खोजते खोजते उसके दरवाजे पर पहुंच गया। तब तक तो ग्रेट ग्रैंड मदर बन चुकी थी, बच्चों की कतारें थी, बच्चों के बच्चों की कतारें थी। उसने कहा, डार्लिंग मैंने सोच लिया, आई मस्ट मैरी यू। वो तो बूढ़ी अम्मा, वो तो घबरा गई, बोला कि ये क्या कह रहे हो तुम, इतनी देर क्यों कर दी, मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा। किर्कगार्ड ने कहा कि जब से तुमने प्रस्ताव दिया मैं इसी विषय पर विचार करता रहा। पहले तो ये विचार करता रहा शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बाद में निष्कर्ष निकला कि नहीं कर लेनी चाहिए। और तब कर लेनी चाहिए तो लाखों लड़कियां हैं, किससे करनी चाहिए, किससे करने की क्या एडवांटेज है, क्या नहीं है। और फिर जाकर जैसे ही मैं निर्णय पर पहुंचा, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। तो ये आइदर और, हम सभी छोटे छोटे किर्कगार्ड हैं, तो ये आइदर और चलता रहता है। तो इसको निर्णय लेने की क्या कला होनी चाहिए ताकि जब तक निर्णय तुम नहीं लोगे तब तक टेंशन रहेगा, तब तक तनाव रहेगा। तो जितना जल्दी निर्णय लो उतना तुम तनाव से मुक्त हो जाते हो, संशय और दुविधा से मुक्त हो जाते हो। तो क्या करें? पहला स्टेप, शांत होकर निर्णय लो। कभी भी मन अशांत है तो निर्णय मत लो, निर्णय को पोस्टपोन करो, इंतजार करो। कब चित्त शांत होता है? तो जब चित्त शांत हो तब तक प्रतीक्षा करो, और फिर देखोगे शून्य से निर्णय आता है। क्यों? हमारे भीतर आत्मा है और परमात्मा ही आत्मा के रूप में बैठा है, वहां से उत्तर आएगा तुमको, अनायास उत्तर आता है, अनायास उत्तर आता है। और तुम देखोगे कि तुम चौंक जाओगे कि अभी तो हम इस विषय पर सोच नहीं रहते। मेरे साथ अक्सर होता है, मेरे 90% से ज्यादा निर्णय शून्य से आते हैं, मैं इंतजार करता हूँ। अगर तुम लोग पूछते हो, बहुत सवाल पूछते हो, मिलते भी हो यहाँ, और वो जो 1 सेकंड का अंतराल होता है उसमें उत्तर आ जाता है। कभी कभी नहीं भी आता है, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है बाद में सोचेंगे, बाद में सोचेंगे नहीं, वो बाद में आएगा उत्तर, तो फिर बताएंगे। तो शून्य से उत्तर आता है। शंकराचार्य कहते हैं, है गुरु वही जो बतला दे, असली सदगुरु बैठा भीतर, अब सब सवाल उससे पूछो, गोविंद भजो गोविंद भजो। तो शून्य से निर्णय आता है। कैसे आता है? इंट्यूशन से, जिसको लोग कहते हैं इंट्यूशन से आता है, तुमको भीतर से आता है कि हाँ ये निर्णय ठीक है। एक विवेक से आता है, बुद्धि से नहीं, क्योंकि मन हमेशा अति पर जाता है, एक्सट्रीम पर सोचता है। तो विवेक से, इंडिविजुअलिटी से उत्तर आता है, उसका उसकी प्रतीक्षा करो। और स्पिरिट गाइड, महाजीवन प्रज्ञा में आओगे, अपने अपने स्पिरिट गाइड को जानोगे, तो हमेशा वो करीब एक स्पिरिट गाइड 15 से 20 लोगों का वो गाइड होता है। तो जब देखता है कि तुम किसी अनिर्णय की स्थिति में हो तो वो भी इशारे करता है, वो भी संकेत करता है। फिर अगर सदगुरु से जुड़ते हो तो सदगुरु का जो मदर क्राफ्ट है वो भी तुम्हारी मदद करता है निर्णय तक पहुंचने में। फिर अगर तुम्हारा कोई इष्ट है, शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, या कोई भी है, तो वो भी तुम्हारी मदद करते हैं। और गोविंद तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, वहां से आता है। तो उत्तम निर्णय ये है कि तुम इंट्यूशिवली निर्णय पर पहुंचो, शून्य से निर्णय है। लेकिन तुम्हारे लिए उतना शायद इतना जल्दी संभव नहीं हो। दूसरा है कि सम्यक निर्णय लो। सम्यक निर्णय के क्या है? मन हमेशा अति पर जाता है, तो अति सर्वत्र वर्जय, अति पर मत जाओ।
फाइट और फाइट दो ही विकल्प नहीं है, एक तीसरा भी विकल्प है मध्य में, भागो या लड़ो, यही विकल्प नहीं है, भागो और लड़ो के बीच में भी एक तीसरा विकल्प है, उस विकल्प की तलाश करो, उसको कहते हैं कि ये सम्यक निर्णय, मध्य में निर्णय लो। और फिर जो यह भी नहीं अगर संभव हुआ तुम्हारे लिए फाइंड आउट करना, तो गौतम बुद्ध कहते हैं कौशल चक्र में निर्णय लो। कौशल चक्र का क्या, पुराने जमाने में भारतवर्ष में पंच परमेश्वर कहा जाता था कि पांच लोग अगर एक निर्णय पर सहमत है तो उस पर परमात्मा का हस्ताक्षर हो जाता है। तो अपना फैमिली में बैठ जाओ, अगर मान लो आजकल हम दो हमारे एक तो तीन ही हो रहे हो, तो फिर वो पांच तो हो ही नहीं रहे हो, तो फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स में से कम दो लोगों को बिठा लो, तो कम से कम पांच, संख्या अधिक भी हो सकती है, मैक्सिमम 21, उससे संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो पांच सात लोग मिल करके और उस पर सहमति जिस निर्णय पर बने, समझ लेना कि वही सम्यक निर्णय है, उस पर परमात्मा का हस्ताक्षर है, और तुम देखोगे कि बिल्कुल ही ये जो जो संशय की स्थिति है, जो दुविधा की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, इससे तुम मुक्त होकर के एक सही निर्णय पर पहुंच सकते हो।